बड़ी खबर उन्नाव से आ रही है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह की उम्मीदवारी निरस्त कर अब बीजेपी ने शकुन सिंह को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। रेप कांड की पीड़ित ने अरुण सिंह पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। उन्नाव में बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बदल दिया और कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी अरुण सिंह का टिकट काटकर शकुन सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल रेप की पीड़ित के मुताबिक जब उसके परिवार का एक्सीडेंट हुआ था तो उस मामले में अरुण को आरोपी बनाया गया था। उसने राष्ट्रपति पीएम मोदी और सीएम योगी को पत्र लिखकर कहा है कि बीजेपी उन लोगों को टिकट दे रही है जो उसे जान से मारना चाहते हैं, जिसके बाद बीजेपी ने अरुण सिंह का टिकट काट दिया है। तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहले बीजेपी के प्रत्याशी अरुण सिंह कुलदीप सिंह सेंगर के करीबी और इसके साथ साथ पीड़ित का आरोप है कि उनको जान से मरवाने की कोशिश की अरुण सिंह ने, और दूसरी तरफ अब शकुन सिंह को बीजेपी ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी बनाया है। तो पहले अरुण सिंह अपने लिए समर्थन मांग रहे थे और अब शकुन सिंह अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं उन्नाव से, और ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए पहले अरुण सिंह के नाम पर पार्टी ने मोहर लगाई, प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब अरुण सिंह की जगह शकुन सिंह पार्टी के नए प्रत्याशी हैं। दयाशंकर जी मीडिया संवाददाता उन्नाव से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दया, सबसे पहला सवाल तो यही है, आरोप गंभीर थे लेकिन पहले क्या अरुण सिंह को प्रत्याशी बनाते वक्त पार्टी ने इस पर गौर नहीं किया, या पीड़ित के बयान के बाद, पीड़ित के इस आरोप के बाद अब जाकर पार्टी ने अपना प्रत्याशी बदला है? जी, आसिफ बता देना चाहता हूं, इसमें पार्टी की जल्दबाजी कही जा सकती है, क्योंकि जब कल रात में देर रात अरुण सिंह का टिकट फाइनल हुआ तो पार्टी ने क्योंकि दो नाम यहाँ से भेजे गए थे, शकुन सिंह का, अरुण सिंह का, बीजेपी तरफ से दो नाम यहाँ से भेजे, जबकि सपा पहले से ही मालती रावत का यहाँ से टिकट फाइनल कर चुकी है। इसको लेकर आज खबर चलती है, उसके पीड़िता का वीडियो वायरल होता है कि उसने आरोप लगाया कि कुलदीप मामले में इन्होंने धमकी दी थी। अरुण कुलदीप सिंह का सीधे तौर पर कहना है, अरुण सिंह ने सीधे तौर पर कहा है कि जो भी आरोप हैं सब निराधार हैं, उनको जो एक्सीडेंट में मेरा नाम था और ना कि हत्या के पीड़िता की पिता के हत्या मामले में मेरा नाम आया था, जबकि एक्सीडेंट वाले में मेरा सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है, उसके बावजूद उनका गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं जबकि सरासर गलत हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टी हार आलाकमान ने उनका टिकट काट के सब उस टिकट फाइनल कर दिया है। जी, उधर अरुण सिंह की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया आई है? दया, हमारी जो भी अरुण सिंह से बात हुई तो उनका सीधे तौर पर कहना है जो पार्टी का फैसला है वही सम्मान्य है, क्योंकि मैं पार्टी को जांच करनी चाहिए थी क्योंकि मैं गलत नहीं था, ना मैं कोई निर्दोष, और जबकि संगीता सेंगर इस तरह शकुन सिंह की पैरवी कर रही थी लेकिन संगीता सेंगर के कहने पे ही शकुन सिंह का टिकट फाइनल किया गया है, जबकि मैं उनके साथ जरूर रहता था लेकिन मैं कहीं पर दोषी नहीं था, और इस खाली उसका वीडियो पीड़िता का वायरल होने के बावजूद मेरा टिकट काटा गया है, ये मेरे पास नाइंसाफी है, इसकी जांच करानी चाहिए थी, ये भी सरासर गलत हुआ है, जो कि शकुन सिंह का टिकट हुआ है, जो कि शकुन सिंह का टिकट हुआ है वो संगीता सेंगर के कहने पर हुआ है, उनका सीधे तौर पर कहना है। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।